हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। मैं हूं आपका अपना राज भाई और आज आपके सामने लाया हूं बिल्कुल ब्रांड न्यू डायरेक्ट फ्रॉम शोरूम GS310 जो कि आप देखने मिलेगी रेड ब्यूटी। इसके अंदर दिखाऊंगा बहुत ही डिसेंट मॉडिफिकेशन। सबसे पहले आपको देखने मिलेगा इसके अंदर वाइजर जो कि लगा दिया है, प्रॉपर फिटमेंट वाला आपको मिलेगा वाइजर। लुक चेकआउट कर लो, काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का है। नॉर्मल लोग क्या करते हैं, इसको थर्ड क्वालिटी वाला लगा देते हैं तो उससे कोई बेनिफिट नहीं, उससे आपका उल्टा नुकसान होता है। तो ये लगाएंगे, लुक भी बढ़ेगी, साथ में हैवी भी काफ़ी ज़्यादा है तो बल्कनेस भी बढ़ से बढ़ जाते हैं लगने के बाद। और नीचे आपको दिखाऊंगा इसके अंदर बहुत ही सेफ्टी फीचर्स जो कि देखने मिलेगा आपको, शॉकर प्रोटेक्शन और मिलते हैं फॉक्स लैडर। इससे डबल बेनिफिट होता है आपका, एक तो शॉकर सेफ होता है, इधर आपका मरघाट सेफ होता है और इधर से भी नीचे को शॉकर सेफ होता है। और साथ में ना आपका इस तरफ अगर देखेंगे तो आपकी डिस्प्लेट, आपकी ABS प्लेट सब कुछ होता है पूरी तरह सेफ। लुक काफ़ी ज़्यादा इनहेंस हो जाते हैं लगने के बाद। गोल्डन आपका शॉकर होता है और गोल्डन ही आपके मिलता है दोनों ही चीज़ें, तो इससे लुक तो लुक की लुक बढ़ गई, साथ में आपको समझ लो सेफ्टी हो गई पूरी तरीके से इसे लगाने के बाद। और आपको देखने मिलेगा इसके अंदर, देख सकते हैं ये इसके BHGP के ओरिजिनल, BHGP के वैसे मिलते ही नहीं जल्दी से, बट मैंने इसमें लगाए BHGP के ओरिजिनल आपको मिलेंगे हैंड गार्ड जो कि देखने मिलेंगे। लुक इस तरीके से आती है इसके लगने के बाद। और ना इससे आपके पूरे लीवर और हैंड ये होते हैं पूरी तरीके से सेफ। लुक चेकआउट कर लो फ्रंट से, इधर भी देख लो साइड में भी, और फ्रंट से भी लुक चेकआउट करो इसकी कैसी आती है लगने के बाद। और साथ में इसमें लगाए गए हैं इसके अंदर देख सकते हैं हैंडल राइजर जो कि मिलते हैं आपको BMW ब्रांडिंग के साथ। देख सकते हैं ये इसका BMW ब्रांडिंग, आप देख सकते हैं ये इसके अंदर लगा दिए गए हैं BMW ओरिजिनल जो कि मिलता है आपको हैंडल राइजर, ये भी इसके अंदर इंस्टॉल कर देंगे। क्योंकि पता है क्या होता है, जब भी राइडर्स राइड करते हैं ना, तो मैं बताता हूँ उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज और एडवांटेज क्या होता है। देखिए ये जो इसकी चलाने का जो राइडर्स का वो है ना, इसका तरीका वो क्या होता है, वैसे नॉर्मली इस तरीके से राइड करते हैं लेकिन जो राइजर लग जाता है ना, तो राइजर नहीं होता, अपना स्टेबल होकर बिल्कुल ही राइड कर सकते हैं। इससे आपके समझ लो बैक पेन बिल्कुल भी नहीं होगा इसे लगाने के बाद, इसलिए इसमें लगाए जाते हैं आपके BMW के अंदर। और अब इसे करते हैं खड़ी। नेक्स्ट आइटम आपको देखने मिलेगी इसके अंदर रेडिएटर गार्ड जो कि देख सकते हो, ये भी आपको मिलेगी GS310 की ब्रांडिंग के साथ जो कि लगा दे। ब्लैक कलर की गाड़ी है तो ब्लैक इसके अंदर लगा दी गई है, इससे आपका रेडिएटर तो पूरी तरीके से सेफ। और समझ लो रेडिएटर आपको सेफ हो गया ना, तो आपकी बाइक भी होगी पूरी तरीके से सेफ। क्योंकि जब भी राइडर्स राइड करते हैं पत्थर वगैरह लगने से, इसका रेडिएटर जो होता है काफ़ी सेंसिटिव पार्ट, और अगर जो उसमें लग गया कुछ पत्थर वगैरह तो समझ लो वो डैमेज हो गया, उसका डैमेज होने का गाड़ी ओवरहीट हो गया, गाड़ी हो गई बंद। तो उसको बचाने के लिए इसमें रहेगा रेडिएटर गार्ड जो कि लुक आपने देखी ली। अब नीचे आएंगे, नीचे देखने मिलेगा आपको ये देख सकते हैं G310 की ब्रांडिंग के साथ मेटल वाला इसमें लगा देगा सम गार्ड जो कि आपके ऑयल फिल्टर करता है पूरी तरीके से सेफ, साथ में डस्ट वगैरह भी करता है कंट्रोल। लुक चेकआउट कर लो इसकी कैसी आती है लगने के बाद। और इसके बाद आपको दिखाऊंगा इसके अंदर लगा देगा क्रैश गार्ड जो कि मिलता है आपको प्रॉपर इसी की फिटिंग का, जेन्युइन फिटिंग का आपको मिलता है आपको क्रैश गार्ड BMW का। नॉर्मली लोग क्या करते हैं इसमें अपर लोअर दो पार्ट के अंदर लगा देते हैं, उससे सेफ्टी बहुत कम होती है क्योंकि उसमें स्लाइडर जरूर लग जाता है पर इतना हैवी वो नहीं होता है और ना ही ये फुल सेफ्टी होती है। बीच में स्पेस हो, उसमें कोई स्पेस नहीं है, आपका प्रॉपर फिटमेंट वाला क्रैश गार्ड। लुक चेकआउट कर लो, एक फिटमेंट वर्क भी आगे है, एक आपकी मिल गई इस तरफ, एक आपको मिलती है इस तरफ और एक मिलती है आपको ये पूरा रोड कनेक्टिंग के साथ जो कि लगा दिया ग्रे कलर की। गाड़ी का जो कलर ब्लैक ग्रे है तो ब्लैक ग्रे की मैचिंग का इसके अंदर जाएगा क्रैश गार्ड। लुकिंग भी काफ़ी इनहेंस हो जाती है और साथ में सेफ्टी होती है पूरी तरीके से क्योंकि इसका टैंक वाइजर और आपके खुद के लैक्स ये करता है पूरी तरह प्रोटेक्ट। सेम इस तरफ से सेम करेगा आपका इस तरफ से, देख सकते हैं ये सेम आपको प्रोटेक्शन मिलेगी इस तरफ। और जब नीचे आएंगे तो नीचे दिखाते हैं साइड स्टैंड एक्सटेंडर जो कि इसके अंदर लगा दिया गया है आपको, देख सकते हैं ये स्टेनलेस स्टील वाला साइड स्टैंड एक्सटेंडर। इससे समझ लो एक तो आपका स्टैंड नहीं घिसेगा, दूसरा कहीं भी खड़ी करें तो स्टेबल खड़ी हो जाएगी आपकी बाइक, कहीं भी हिलने या गिरने का खतरा हो जाता है ख़त्म इसे लगाने के बाद। साथ में आपको देखने मिलेगा इसके अंदर बैक साइड में तो ये देखने मिल जाएगा आपको टायर अगर जो कि मिलता है आपको GS की ब्रांडिंग के साथ मिल जाता है आपको टायर अगर। इससे लुक भी काफ़ी इनहेंस हुआ, साथ में ना आपको डस्ट वगैरह जो आगे जाती है इसको भी काफ़ी हद तक कर देता है कंट्रोल। और आप लुक चेक करो, लुक काफ़ी ज़्यादा इससे अच्छे हो जाते हैं बैक साइड के अंदर। और अब दिखाता हूँ आपको सबसे मेन चीज़ जो कि इसके अंदर लगाई है वो है इसके अंदर, ये देखिए चाबी ऑन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ फॉग लैंप। तो लुक चेकआउट कर लो इसकी कैसी आती है लगने के बाद। रोशनी इसकी कुछ इस तरीके से, ये आपकी हो गई येलो और फिर आपको मिलते हैं वाइट और उसके बाद मिलते हैं आपको येलो वाइट और इसके बाद आपको मिलता है ब्लिंकर, ही देख सकते हैं ये ब्लिंकिंग भी इसके अंदर। और ब्लिंकिंग के पैटर्न है ना वो मिलते हैं आपको 5 पैटर्न कम से कम, और ये ज़रूरी नहीं कब येलो वाइट पर, आप चाहो तो इसे येलो पे कर सकते हो, आप चाहो तो इसे वाइट पर भी आप ब्लिंक कर सकते हो। ये देख लो ये आपका वाइट होगा, ये देखो। और इसमें सबके अंदर आपको मिलेंगे 5 पैटर्न, 1, 2, 3, 4 और एक ये 5 पैटर्न इसके अंदर मिल जाते हैं, 5 से 6 पैटर्न इसके अंदर मिल जाते हैं आपको। और इसके अंदर ये हार्नेस ये मिलती है आपको प्रॉपर हार्नेस वाली जिसमें आपकी रिले और आपका स्विच कुछ इस तरीके से, दिखाओ इधर आओ दिखाता हूँ, स्विच कुछ इस तरीके से होता है इसका लगने के बाद, फुल्ली वाटरप्रूफ वाला स्विच होता है ये इसके साथ में आता है जो कि आपकी फॉग लैंप हार्नेस वाली। और ये आपकी न्यू आउल वाली जो कि इसके अंदर इंस्टॉल्ड कर दी गई है। तो देखो जैसे कि मैंने आपको बताया था ना गाड़ी डायरेक्ट आई है शोरूम से,
तो मैं आपको दिखाता हूँ इसका डिस्टेंस कितना होता है शोरूम से यहाँ तक आने का, और ये मीटर में कितना शो करता है ये भी आपको चेकआउट कराया जाता हूँ। ये भी चाबी ऑन करिए, देखो 48 किलोमीटर ओनली 48 किलोमीटर गाड़ी चल कर आई है। तो समझ सकते हो आप डायरेक्ट फ्रॉम शोरूम है जो कि भैया लेकर आए हैं हमारे पास। तो ये होता है ट्रस्ट जो हमने कमा रखा है कस्टमर से, और उन पर उनको इतना ट्रस्ट हम पर क्यों है ये जानते हैं, उन्हीं से ही बुलाते हैं भैया से। वीडियो भी कम्प्लीट, अब मिलाता हूँ भैया से। तो देखे ये हैं भैया जिनकी बाइक है। तो हेलो सर, हेलो। पहले तो आप देखे कैसे हैं और कहाँ से हैं, और आपको कैसे पता लगा हमारे बारे में और डायरेक्ट शोरूम से आपको हमारे आने पर मजबूर होना पड़ा, वो बताइए आप। मैं तो एकदम ठीक हूँ, और मैं दिल्ली से ही बिलोंग करता हूँ, निकमा नगर से। तो मैंने आपकी वीडियोज़ जो है यूट्यूब में देखी थी, तो मैंने सोचा ही था कि डायरेक्टली आपके पास ही आऊँगा, जिस दिन शोरूम से डिलीवरी होगी डायरेक्टली आपके शोरूम पर ही आऊँगा मैं। तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड की है। बाकी काम वगैरह कैसा लगा? काम बहुत अच्छा है, बहुत यहाँ का स्टाफ बिहेवियर, स्टाफ भी बहुत अच्छा है, आप भी बहुत अच्छे हैं। तो ऑल ओवर सेटिस्फाइड है, बहुत किसी भी चीज़ में आपको ऐसा नहीं लगा कि हमने कुछ गलत लगा दिया या फिर कुछ ऐसी चीज़ है आपको लगवा तरी थी हमने फिर भी उसको लगवा दिया, ऐसा तो नहीं? बहुत अच्छा काम हुआ है, और अभी ऊपर वाले की जैसे एक और बाइक आने वाली है हमारे भाई की, आ जाओ भाई, ये मेरा फ्रेंड है, इनकी बाइक आने वाली है, तो अब ये भी अपनी बाइक यहीं लेके आएंगे। कौन सी बाइक लाने वाले नेक्स्ट? ये 440 हिमालयन ले रहे हैं। देखा, मेरी भी बाइक आने वाली है। माइक की तरफ मेरी बाइक भी आने वाली है, ये राजू भाई के पास ही लेके आएंगे वो वाली बाइक भी। तो भैया कितने बजे आए थे आप यहाँ पर? 7 बजे आया था। अब कितना टाइम हो रहा है? 10 बज रहे हैं। 10:15 बज रहे हैं, और इनकी बाइक को कर दिया हमने फुल लोड जैसे कि आप देख सकते हैं, और इसके अंदर छोटे मोटे काम जो है वो कराएंगे भैया नेक्स्ट चैनल जब भैया इनके साथ आएंगे। भैया कह रहे हैं पहले आप भी खर्चा कर लो फिर मैं करूँगा साथ में, क्योंकि इनको लग रहा है ज़्यादा खर्चा करा दे इनके उन्होंने। तो चलो ऑल अबाउट थैंक यू सो मच सर आने के लिए, थैंक यू आपको भी आने के लिए। तो ऑल अबाउट आप एक बात और बता दो कि अगर ऑल इंडिया से कोई आना चाहिए तो आपकी क्या रिकमेंडेशन रहेगी? ऑल इंडिया से कोई भी आए, पैन इंडिया से कहीं से भी आए, मैं तो आपको SCD राजू भाई के लिए ही मैं रिकमेंड करूँगा, बेस्ट इन क्लास, सबसे अच्छा। थैंक यू सो मच। तो देखिए भैया का रिव्यू आपने देख लिया, गाड़ी आपने देख ली, गाड़ी किस तरीके तैयार है वो भी आपने देख लिया। तो देखो सबसे मेन बात मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, खाली किसी के फालतू के नाम पे ना जाएं, हमेशा जाएं काम पर, जाएं प्रोडक्ट पर जाएं, और जब काम और प्रोडक्ट आपको अच्छा मिलेगा ना तो मैं कहता हूँ किसी के पास भी चले जाओ, ये नहीं कह रहा मेरे पास जाओ फिर किसी के पास चले जाओ कि, लेकिन एक बार मैं फर्स्ट प्रायोरिटी में ये रखूँगा, एक बार मेरे पास आ गए ना आप चेकआउट जरूर कर लें, चाहे रेट चेक कर लें, चाहे क्वालिटी चेक कर लें, चाहे फिर आप मेरा नेचर या मेरे स्टाफ करें, चाहे एटमॉस्फेयर ज़रूर चेक करें। उसके बाद ये मेरी गारंटी है कि आप यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले, क्योंकि काम और रेट और क्वालिटी हर चीज़ मिलेगी आपको एक नंबर, जैसे कि आपको मिलता है राजू भाई एक नंबर। करोलबाग के अंदर मैं पिछले 3 साल से बैठा हूँ, और 3 साल से जो नाम कमाया काम करके कमाया मैंने, ऐसे ही नहीं कि नाम कमा लिया। और उसके बाद आपका एक्सपीरियंस बता दूँ आपको, भैया को भी नहीं पता मैं बताता हूँ, भैया भी सुन रहे होंगे आप कहेंगे एक्सपीरियंस मुझे पहले नहीं बताया। मेरा जो एक्सपीरियंस है ना वो 25 ईयर का एक्सपीरियंस है, जो कि मैं सबके सामने शेयर करता हूँ। ज़्यादातर 25 ईयर से मैं इसी लाइन के अंदर हूँ, मेरा जो पैशन था वो इसी काम से था, और इसी का जुनून लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूँ और आगे बढ़ता रहूँगा आप सबके सपोर्ट के साथ। आज आप मेरे पास सिल्वर प्ले बटन है, आने वाले टाइम में आप मुझे उम्मीद है कि आप जल्दी ही मेरा 1 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट कराएंगे, तो आपका मेरा आएगा, मेरा नहीं आपके आएगा गोल्डन प्ले बटन। तो इंतज़ार है उसी घड़ी का। तो इसी के साथ वीडियो करते हैं कंप्लीट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना राजू भाई SKD को, जो कि मिलेगा आपको यूट्यूब पर भी, सेम मिलेगा आपको इंस्टाग्राम पर भी। बाकी अगर कुछ पूछना है तो स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, आप चाहो तो वहाँ से कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप करते हो, और मेरा पर्सनल नंबर है जो चल रहा है स्टार्टिंग में 7821 वाला, आप उस पर मेरा डायरेक्ट कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो। बाकी शॉप के नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप चाहो तो लोकेशन एड्रेस सब कुछ वहाँ पर मैंशन है, आप वहाँ से कर सकते हो, बाकी आप कॉल करके आ सकते हो डायरेक्ट लोकेशन मांगकर। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम, जय माता दी, गुड बाय।